हेलो नमस्कार जय हिंद। एसएससी जीडी की कटअप इतनी हाई पहुंच गई है कि इसके संबंध में सस्पिशियस माइंड क्रिएट हो रहा है। हालांकि आयोग ने भी कुछ बच्चों को सस्पिशियस लिस्ट में रखा हुआ है, कुछ बच्चों को डिवेट भी कर दिया है, कुछ बच्चों को बाहर कर दिया गया है। तो इन बच्चों को किस प्रकार से यहाँ पहुँचाया, किसने यहाँ पर पहुँचाया है और कौन इनका संरक्षक है, किस प्रकार से इनके पॉलिटिकल रिलेशन है, किस प्रकार से आयोग के साथ रिलेशन है, कैसे यहाँ तक पहुँच गए हैं और क्यों, किस आधार पर इन्हें बाहर किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, इत्यादि के बारे में आयोग को खुलकर सामने आकर जवाब देना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के साथ बच्चों के साथ जवाब देना चाहिए जिससे विश्वास बने एसएससी के साथ। देखिए कटअप के बारे में हम लोग देखते हैं, अगर फीमेल कैंडिडेट के कटअप की बात करें तो एसएससी में 146 फीमेल कैंडिडेट का यूआर में एक 146.5 पर कटअप बना हुआ है। ओबीसी के लिए 144.43 पर कटअप बना हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 143 पर कटअप बना हुआ है। एससी के लिए 138 और एसटी के लिए 130 पर कटअप बना है। तो इतनी हाई कटअप बनी हुई है हालांकि वैकेंसी इंक्रीज भी हुई थी बाद में। पहले 26,146 वैकेंसी थी, उसके बाद 46,117 वैकेंसी हो गई थी। अगर 46,117 वैकेंसी के बाद इतना ज़्यादा कटअप हाई कटअप बन रहा है तो सोचे अगर 26,000 वैकेंसी हुई होती तो क्या कटअप का हाल होता, क्या 160 में 160 बन जाता या 160 से भी ऊपर कुछ बन जाता, इसका अनुमान लगाना भी थोड़ा सा कठिन है। फीमेल कैंडिडेट्स को टोटल 38,328 फीमेल कैंडिडेट्स को इसमें शामिल किया गया है, काउंट किया गया है, इसमें कटअप में शामिल किया गया है। अगले स्टेज के लिए फिजिकल के लिए 38,000 फीमेल्स को शामिल कर लिया गया है। मेल कैंडिडेट के बारे में अगर हम बात करें तो मेल की कटअप यूआर के लिए 153.56 गई है, 153 से भी ज़्यादा, 153.56 गई है। ओबीसी के लिए 152.28 गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 151.15, एससी के लिए 148 और एसटी के लिए 143.65 कटअप गई है। तो इतनी हाई कटअप गई है, बॉयस के लिए 153 से भी ज़्यादा कटअप गई है। ये हाल तब है जब 46,000 वैकेंसी इंक्रीज करके कर दी गई थी। सोचिए अगर 26,000 ही वैकेंसी रही होती तो क्या कटअप गई होती, हो सकता है 160 में 160 पहुंच गई होती। टोटल इसमें 3,08,076 मेल कैंडिडेट को नेक्स्ट स्टेज के लिए शामिल किया गया, अर्थात फिजिकल के लिए शामिल किया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अगर पॉइंट नंबर 10 पर देखें तो रिजल्ट्स ऑफ दी 1061 1,061 कैंडिडेट्स लिस्ट थर्ड में आए हैं जिन्हें सस्पिशियस कैंडिडेट के रूप में रखा गया है। 1,061 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पर सस्पेंस बना हुआ है आयोग का, और आयोग इस पर सस्पेंस बनाया हुआ है, ये सस्पिशियस कैंडिडेट्स के रूप में लिस्ट थर्ड में आए हैं आयोग के द्वारा। तो 1,061 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी पुनः चेकिंग होगी, रीचेकिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा कि चेकिंग के बाद वो कैंडिडेट सही मिलते हैं या गलत मिलते हैं। अगर सही मिलते हैं तो शामिल कर लिया जाएगा, अगर गलत मिलते हैं तो उन पर जो कार्रवाई, उचित कार्रवाई लीगल प्रकार से होती होगी तो लीगल कार्रवाई उन पर होगी। पॉइंट नंबर 11 को देखें तो रिजल्ट ऑफ 730 कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिवर्ड बाय द कमीशंस हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड। 730 कैंडिडेट्स ऐसे मिले हैं जो फ्रॉड करके आए हैं और जिन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। अब आगे एसएससी के द्वारा इसे बाहर कर दिया गया, डिवर्ट कर दिया गया है, तो एसएससी प्रक्रिया से ही इन्हें बाहर कर दिया है 730 कैंडिडेट्स को। अब ये कैंडिडेट्स बिल्कुल इलीगल प्रकार के कैंडिडेट्स हैं, इन्हें भर्ती प्रक्रिया में पुनः शामिल नहीं किया जाएगा। आयोग ने मान लिया है कि ये इलीगल कैंडिडेट्स हैं, इन्हें बाहर किया जाएगा। तो लिस्ट 10 में और लिस्ट 11 में अब ध्यान देंगे, ये कौन से कैंडिडेट हैं 1,061 ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो सस्पिशियस लिस्ट में आ चुके हैं, और ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे जो सस्पिशियस लिस्ट में नहीं आए होंगे, सस्पिशियस लिस्ट को पार कर गए होंगे, क्योंकि सस्पिशियस लिस्ट को जंपिंग करने के लिए भी तो कुछ एक्सटर्नल पावर होगी जिसको अप्लाइड करने के बाद वो जंप कर जाते होंगे, जैसे नीट एग्जाम का था, जैसे पुलिस एग्जाम का था, कांस्टेबल एग्जाम का, इत्यादि विभिन्न प्रकार के एग्जाम हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स कहां से आए हैं, ये इनका बैकग्राउंड क्या है, ये किस प्रकार से यहां तक पहुंचे हैं। 730 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें बाहर कर दिया है, प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, ये किस प्रकार से यहां पहुंचे थे, किस प्रकार से इन्हें बाहर किया गया, क्यों बाहर किया गया है, और किस प्रकार का ये फ्रॉड कर रहे थे, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, आयोग के साथ संबंध किस प्रकार से हैं, ये कौन बताएगा, ये कब तक पता चलेगा, ये ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, अगर नहीं बताया जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, कैसे मान लिया जाए कि ट्रांसपेरेंट है आयोग।
एसएसएफ का स्टेट वाइज नहीं होता है, एसएसएफ का स्टेट वाइज अलग अलग मेरिट नहीं बनता है, पूरा ऑल इंडिया के एसएसएफ का बनता है, इसलिए एसएसएफ का जो है कि मेरिट आपको देख आपने देख लिया, उसके बाद स्टेट वाइज मेरिट आपका देखना पड़ेगा किस स्टेट के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर उत्तर प्रदेश स्टेट का देखना है तो उत्तर प्रदेश में जनरल एरिया के लिए, ये जनरल एरिया है, जनरल एरिया के लिए यू आर का 139.94 पर कटअप गई है, ओबीसी के लिए 139.46 पर कटअप गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 136.85 पर कटअप गई है, ईएसएम के लिए 32.20 पर कटअप गई है, एससी के लिए 133.14 और एसटी के लिए 127.91 पर कटअप गई है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में बॉर्डर जो एरिया है, बॉर्डर एरिया के लिए यूआर के 108.06 पर कटअप गई है, ओबीसी के लिए 105.89 पर कटअप गई है, ईएसएम के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 95 पर, ईएसएम के लिए 48 पर कटअप गई है, एससी के लिए 89.47 और एसटी के लिए 110.78 पर कटअप गई है। ये उत्तर प्रदेश के लिए, इसी प्रकार से अलग अलग स्टेट के बारे में आप कटअप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। बिहार के लिए, अगर बिहार के बारे में हम देखें तो बिहार के लिए ये जनरल एरिया का कटअप है, जनरल के लिए यूआर का 125, एसटी का 121, एससी का 105, ओबीसी का 125, ईडब्ल्यूएस का 120, ईएसएम का 32। इस प्रकार से बिहार के लिए एन फॉर नक्सलाइड, नक्सलाइड एरिया का जो कटअप है तो नक्सलाइड का मतलब यूआर में 119 पर कटअप गई है, एसटी का 117, एससी का 98, ओबीसी का 119, ईडब्ल्यूएस का 112, ईएसएम का 32। उसी प्रकार से बिहार स्टेट में ही बॉर्डर जो एरिया है तो बॉर्डर एरिया के लिए कटअप गई है, यूआर के लिए 102, एसटी के लिए 114, एससी के लिए 76, ओबीसी के लिए 99.68, ईडब्ल्यूएस के लिए 88.78, ईएसएम के लिए 37। इस प्रकार से कटअप जो है कि स्टेट वाइज अलग अलग जो है कि कटअप निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से अपने अपने स्टेट के लिए आप मिला सकते हैं। बाकी एसएसएफ के लिए हमने बता दिया, एसएसएफ के लिए स्टेट वाइज नहीं होता, स्टेट से एसएसएफ के लिए एक ही कटअप होती है इंडिया भर की, पूरे इंडिया की, तो इसलिए एसएसएफ का कटअप ये रहा फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, और एसएसएफ का कटअप जो है कि फीमेल्स के लिए ये रहा फीमेल्स के लिए। कटअप काफ़ी हाई गई है, इतनी हाई कटअप गई है कि अनुमान से भी ज़्यादा कटअप हाई गई है, 153 से भी ज़्यादा, कम ही कितना है, टोटल 160 है, 160 में से 153 से ज़्यादा, लगभग 154 के आसपास गई है, 154 के आसपास गई है, 153 से ज़्यादा, तो 6 नंबर 7 नंबर से 6 नंबर 6.5 नंबर कम है। अगर थोड़ी सी अगले स्टेज में कटअप बढ़ती है तो पहुँच जाएगा लगभग, तो इतना ज़्यादा पहुँच जाएगा, लगभग करीब पहुँच जाएगा मैक्सिमम मार्क 160 के करीब पहुंच जाएगा। पता नहीं इतना कटअप कैसे गई है, पीछे से क्या खेला चल रहा है, क्या हो रहा है, ये एक सस्पिशियस पॉइंट है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। आयोग को इसके संबंध में बताना चाहिए कि इतने हाई कटअप कैसे पहुंच गई है, और ये जो सस्पिशियस कैंडिडेट्स हैं ये इनके बैकग्राउंड क्या क्या है, इनका पॉलिटिकल दृष्टिकोण, पॉलिटिकल रिलेशन क्या है, आयोग के साथ रिलेशन किस प्रकार से है, किस प्रकार से यहां तक पहुंचे हैं और किस प्रकार से क्यों आउट किए गए इत्यादि के बारे में आयोग को बताना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे।